हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्वेता गुप्ता हमारे इस चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान के विषय के बारे में समझेंगे, जिसमें हम बात करेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और प्रकृति, जो BA LLB और BA और MA के छात्रों के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स में एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अतः इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आइए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आज हम बात करते हैं कि राजनीतिक शास्त्र क्या है, इसका क्या अर्थ है, यह शब्द कहां से आया है। चलिए बात करते हैं। राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश वर्ड पॉलिटिक्स से बना है। पॉलिटिक्स वर्ड यूनानी वर्ड पॉलिस से बना है, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में राज्य अथवा नगर होता है। पॉलिटिकल साइंस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान अरस्तु ने किया था। अब हम आगे बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं। हमें समझना होगा कि क्या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। एक्चुअली इस प्रश्न पर ऑलमोस्ट विद्वानों में हमेशा कंट्राडिक्शन रहा है, इसलिए विज्ञान से संबंधित विषयों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला प्राकृतिक, दूसरा सामाजिक। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो विषय आते हैं वो हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान। ये ऐसे विषय हैं जिन पर डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एज इज इट रहने हैं। आगे हम बात करते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्या है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास। एक्चुअली ये ऐसे विषय हैं जिनके विज्ञान होने पर विद्वानों को हमेशा डाउट हुए हैं। अब हम आगे प्रश्न आता है हमारे सामने कि क्या राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है। राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है। एक्चुअली राजनीतिक विज्ञान चूंकि प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं है बल्कि सामाजिक विज्ञान का विषय है, अतः इसे विज्ञान मानने के लिए कुछ तर्क एवं तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कुछ तर्क एवं तथ्यों को देखा जा सकता है यह समझने के लिए कि राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है या नहीं। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है इस बात को समझने के लिए कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं, पहला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान, कि राजनीतिक विज्ञान का किस प्रकार से क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। चूंकि राजनीतिक विज्ञान राज्य एवं सरकार का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करता है, स्वयं ही विषय सामग्री एवं तथ्यों का संग्रह कर क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित करता है। क्रमबद्ध ढंग से किस प्रकार से व्यवस्थित करता है, इसे हम किसी एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो राजनीतिक विज्ञान में जो बात होती है वो सबसे ज्यादा बात होती है स्टेट और गवर्नमेंट की। स्टेट से मेरा मतलब यहाँ राज्य से नहीं है बल्कि कंट्री से है। स्टेट और गवर्नमेंट, हम इन्हीं बॉडीज पर बात करते हैं। इनका काम क्या है, क्रमबद्ध रूप से देश को चलाना, उनको व्यवस्थित करना, इसी के बारे में हम राजनीतिक विज्ञान में बात करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है यह समझने के लिए कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है या नहीं है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा अध्ययन। राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों को निश्चित करके तथ्यों को कलेक्ट कर उन पर रिसर्च होती है। ये तथ्यों को किस प्रकार से कलेक्ट किया जाएगा और कौन से तथ्य हैं जिनको कलेक्ट करके उन पर रिसर्च होगी, इसको एक छोटे से एग्जांपल्स हम समझते हैं। जैसे आजकल हमारे देश में बात हो रही है आर्टिकल 370 पर। अब ऐसा तो है नहीं कि यह धारा जो पिछले 70 सालों से लागू थी उसे एक दिन में गवर्नमेंट ने हटा दिया होगा। बहरहाल उस पर पूरा रिसर्च होगी, सभी फैक्ट्स को कलेक्ट किया गया होगा और यह देखा गया होगा कि इतने सालों से जब यह धारा लागू थी तो इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स थे और अगर इसको अब हटा दिया जाए तो इसके क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। तो ये जो इफेक्ट और साइड इफेक्ट हैं ये क्या हो गया, इसका रिसर्च वर्क हो गया। तो इन सभी रिसर्च वर्क को, इन सभी फैक्ट्स को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं अध्ययन सामग्री। अध्ययन सामग्री कैसे होनी चाहिए, राजनीतिक विज्ञान की अध्ययन सामग्री क्या है, अध्ययन सामग्री में किस प्रकार से स्थायित्व एवं एकरूपता होनी चाहिए। एक्चुअली किसी भी विषय को जब हम विज्ञान के रूप में देखेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमेशा देखे जाते हैं कि उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप होना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति होनी चाहिए, स्थायित्व होनी चाहिए, एकरूपता होनी चाहिए। राजनीतिक विज्ञान में वैसे तो तथ्यों में एकरूपता पाई जाती है, परंतु कई बार
यदि इसमें थोड़ी विभिन्नता भी दिखाई दे तो उसका कारण है मानव का परिस्थितियों के अनुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार करना। क्योंकि सभी मनुष्यों का जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग होती है, उनकी परवरिश अलग अलग होती है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनकी सोचने समझने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। इसमें भी इसको भी हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि राजनीतिक विज्ञान में दो बॉडीज की बात होती है ज्यादातर, वो कौन सी है, स्टेट और गवर्नमेंट। ठीक है, फिर मैं एक बार बताना चाहूंगी कि स्टेट से मेरा मतलब यहां राज्य से नहीं है, कंट्री से है। दोनों का एक ही तो मोटिव है, सोशल वेलफेयर, देश का डेवलपमेंट करना, देश का विकास करना। ऐसा हो सकता है कि दोनों की विचारधाराओं में थोड़ी विभिन्नता हो, वो एक रूपता नहीं हो, लेकिन अगर सोच देखें तो दोनों की एक ही सोच है। वो क्या है कि देश की उन्नति किस प्रकार से हो, देश का डेवलपमेंट किस प्रकार से हो। हमारे ज्यूरिसप्रूडेंस में एक रिसर्चर भी आए हैं बेंथम, जिन्होंने कहा है मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम पीपल। तो गवर्नमेंट हो गई या हमारी कंट्री हो गई, उनका भी तो यही काम है कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों की उन्नति हो। तभी तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो वहां पर भी लोगों को क्या कहा गया है, किस चीज से यूज किया गया, हम भारत के लोग। अब हम आगे बात करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान होने के लिए हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं और कौन कौन से सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक विज्ञान में भी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कैसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट हैं जहां पर डिक्टेटरशिप से काम होता है और कुछ देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी से काम होता है। दोनों ही अपने देश को चला रहे हैं लेकिन दोनों की विचारधाराओं में डिफरेंस हो सकता है। तो ये किस लिए होता है, क्योंकि सभी जगह की परिस्थितियां जो हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अभी तक हमने बात की है कि राजनीतिक विज्ञान विज्ञान है, अभी तक हमने बात की है कि राजनीति विज्ञान किस प्रकार से विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है। बहुत से विद्वान राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान नहीं मानते और इसे विज्ञान ना मानने के उनके बहुत से तर्क हैं। तो आइए आज उन तर्कों पर हम बात करते हैं। पहला है मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। जैसा कि अभी हमने बात की थी कि मानव स्वभाव परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी विषय का व्यवस्थित व क्रमबद्ध अध्ययन कैसे पॉसिबल है, जिसकी विषय वस्तु ही परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती हो। उसके बाद हम आगे बात करते हैं एक मत का अभाव। राजनीति विज्ञान को इसलिए भी विज्ञान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसके सिद्धांतों को लेकर भी विद्वानों में परस्पर मतभेद बना हुआ है, जैसे प्रजातंत्र, समाजवाद, साम्यवाद। उनका कहना है कि समाज के भिन्न भिन्न परिस्थितियां हैं, उनके भिन्न भिन्न रूप हैं। आगे हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों की असंभवता। राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग कर परीक्षण करना भी संभव नहीं है, क्योंकि कोई केमिस्ट्री फिजिक्स की लैब तो है नहीं कि जिसमें हम परीक्षण कर लें और देखें कि क्या केमिकल रिएक्शन होता है। पॉलिटिकल साइंस में यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वह पूरी तरह से सिद्धांतों पर डिपेंडेंट होता है। आगे हम बात करते हैं शुद्ध माप का अभाव। पॉलिटिकल साइंस में माप भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ लैब में तो होता नहीं है कि हम इस पे केमिकल रिएक्शन देख सकें या केमिकल्स की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकें घटा सकें। मैंने आपको बताया है ना कि ये जो है ये मानव व्यवहार पर डिपेंड करता है और मानव व्यवहार जो है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। जैसे कभी कोई बहुत प्रेम में होगा तो कोई क्रोध में होगा, कभी उसका जो मूड है वो बहुत उत्तेजना में होगा तो कभी वो आवेग में होगा। ठीक, तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो मतलब कुछ विद्वानों का कहना है कि वो विज्ञान है और कुछ का कहना है कि वो विज्ञान नहीं है। सभी विद्वानों के अपने भिन्न भिन्न मत हैं। अब हम आगे बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एक कला के रूप में। हम पॉलिटिकल साइंस को एक कला के रूप में भी देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विज्ञान है जो पूरी तरह मनुष्यों के स्वभाव, व्यवहार, आदर्शों और सिद्धांतों के अनुरूप विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से सामने आता है
और परिस्थिति के अनुसार ही मनुष्य के इस बदलते व्यवहार का अध्ययन राजनीति विज्ञान में कला के रूप में किया जाता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे अगर राजनीति में किसी विषय पर बात करें तो एक पॉलिटिशियन द्वारा उस विषय पर बोलना या एक डॉक्टर द्वारा उसी विषय पर बोलना या किसी आम आदमी द्वारा उस विषय पर बोलने के ढंग में हम अक्सर ही डिफरेंस महसूस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों की परिस्थिति व विषयों को समझने की क्षमता भिन्न भिन्न है। जैसे व्यवहार में जब किसी को गुस्सा आता है तो कोई उसे प्यार से प्रकट कर सकता है, और गुस्से में भी कोई उसको गुस्से में भी प्रकट कर सकता है। यह सभी उसके बोलने की कला व सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। अतः कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में बोलने व समझने की कला का महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू।